डियर स्टूडेंट्स, अभी भी काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो अभी भी डाउट्स में पड़े हैं कि पता नहीं उनकी स्कॉलरशिप की राशि इस बार आ पाएगी या फिर नहीं। अगर आएगी भी तो किन बच्चों की आएगी, क्या कुछ चांसेस बन रहे हैं, क्या शासन कोई निर्णय ले रही है या फिर नहीं, इस वीडियो के माध्यम से आपके पूरे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। वीडियो को एंड तक और ध्यान से जरूर देखेंगे। यहाँ पर सबसे पहले एक स्टेटस के बारे में थोड़ा सा बात कर लें कि जैसा कि आपको बताया जा रहा था कि पहले आपका स्टेटस वेरीफाई कर दिया गया था, वेरीफाइड था, सारी चीज़ें वेरीफाइड थी, फिर से आपका स्टेटस ब्लॉक कर दिया गया। और फंड की एक तो फंड का सिस्टम है कि हाँ फंड में पैसा नहीं है, वो तो समझ में आ रहा है कि हाँ चलिए फंड में पैसा नहीं है। फिर दूसरे तरीके से आपका रिजल्ट और फीस को लेकर के ब्लॉक कर दिया गया है। किसके चलते ब्लॉक कर दिया गया है? रिजल्ट को लेकर के कि आपने रिजल्ट और रोल नंबर वगैरह सही नहीं भरा है या फिर जमा भरा ही नहीं है फॉर्म में, इसके चलते ब्लॉक कर दिया गया है। और फीस रसीद को देकर के कि आपने फीस नहीं जमा की है, फीस रसीद, इसके चलते ब्लॉक कर दिया गया है। तो ये तो अलग की समस्या हो गई, लेकिन आपके जितने भी डाउट्स हैं हो सके इस वीडियो के माध्यम से क्लियर हो जाए। और कुछ बच्चों के जेन्यून से कमेंट्स भी है, सारी चीज़ों में आपको सारी चीज़ों को लाइव दिखाऊंगा। सबसे पहले इसके बारे में बात करेंगे। लगभग 2-3 दिन पहले एक वीडियो अपलोड किया गया था कि बच्चों की स्कॉलरशिप की राशि आ रही है। जैसा कि इंस्टाग्राम पे बच्चे मैसेज करते रहते हैं, तो कुछ बच्चे थोड़े अलग टाइप के होते हैं, थोड़े कि मजाकी टाइप के, वो बच्चे इधर उधर की चीज़ें सेंड करते हैं। ये चीज़ें फेक थी, आपको शायद उसके बाद नेक्स्ट वीडियो मैंने बताया भी था कि ये चीज़ें फेक थी, किसी की स्कॉलरशिप की राशि नहीं आ रही है। अगर स्कॉलरशिप की राशि आती तो शासन द्वारा भी ऑफिशियल नोटिस आया था और कॉलेज द्वारा, डिस्ट्रिक्ट लेवल द्वारा, DWO द्वारा भी ऑफिशियल नोटिस जारी कर दिया जाता है। तो यहाँ पर ब्लर भी दिख रहा होगा, जैसे कि ये आपको ग्रीन में दिख रहा है और ये आपको क्या किया गया है, इसको ब्लर करके एडिट करके सारी चीज़ों को बनाया गया। तो ये सारी चीज़ें फेक थी, किसी की स्कॉलरशिप नहीं आई थी उस दिन, ठीक है। अगर स्कॉलरशिप आना होता तो ऑफिशियल नोटिस वगैरह हम लोग पास मिल जाती है। अब देखिए यहाँ पे बात करेंगे कुछ बच्चों के जेन्यून से कमेंट, हो सकते कि आपने भी कमेंट किया हो और अपने डाउट्स को क्लियर कर लीजिएगा। देखिए EVM, यहाँ पे कहने का मतलब इनका EVM खरीदी ली थी तो स्कॉलरशिप कहाँ से देंगे योगी जी, या इनके कहने का मतलब है कि जो स्कॉलरशिप का पैसा है उससे शासन ने EVM खरीद ली है और स्कॉलरशिप तब किस पैसे से देंगे, आप पैसा उसी में खर्च कर दिया। देखिए ऐसी बात नहीं है, शासन अपना वो चुनावी माहौल अलग था, अलग की चीज़ें थी। बहरहाल क्या होगा वो तो शासन खुद जानती है, क्या करेगी, क्या कोई निर्णय लेगी या फिर नहीं, लेकिन ऐसी बात नहीं होगी कि EVM वगैरह या फिर चुनाव में लुटाए होंगे। हो सकता है कि कुछ घोटाले में गया हो, अब वो तो शासन के ऊपर डिपेंड करता है, शासन ने क्या किया है, कैसे किया है, हम लोग पास तो इसके बाद ऑफिशियल जानकारी नहीं है। हम लोग तो केवल अपनी सहानुभूति, मतलब बस अपने आप से सोच सकते हैं या फिर कुछ कह सकते हैं। जैसा कि इन्होंने कमेंट किया है कि EVM खरीद ली थी इसलिए स्कॉलरशिप का पैसा खत्म हो गया, उसी में लगा दिया, या फिर कुछ बच्चे कहते हैं कि चुनावी माहौल में खत्म कर दिया। तो ये सारी चीज़ें कमेंट वगैरह बच्चों के थे, तो ऐसी बात नहीं हुई होगी, स्कॉलरशिप की राशि भेजी गई है, लेकिन आधे से ऊपर ही बच्चों की आ पाई है, ज़्यादा बच्चों की नहीं आ पाई है। आप देखिए शासन इसके बारे में कोई निर्णय लेती है, आपको टेलीग्राम के माध्यम से और वीडियो के माध्यम से इन्फॉर्मेशन तो हमेशा मिलती ही रहती है, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट चीज़ें, नेक्स्ट कमेंट देखते हैं। यहाँ पे मणिकांत चौहान ने एक दिन पहले कमेंट किया हो, मेरे भी कॉलेज में 950 छात्रों में से 12 छात्रों की छात्रवृत्ति आई है। जैसा कि सही बात है, कई कॉलेजों में आपने भी देखा हो, आपके कॉलेज में हो सके आपके कॉलेज में कुछ ज़्यादा बच्चों की आ गई हो, लेकिन मेरे भी कॉलेज में, इनके कहने का मतलब है मणिकांत चौहान जी एक दिन पहले कहीं उन्होंने कमेंट किया कि मेरे भी कॉलेज में 950 यानी 950 छात्रों में से केवल 12 छात्रों की स्कॉलरशिप यानी छात्रवृत्ति आई है। और देखिए इस तरीके से होगा तो काफ़ी दिक्कतें होंगी, जब इतने सारे बच्चों में, मतलब लगभग 1000 बच्चों में, करीब 1000 बच्चों में अगर 10, 12, 15, 20 या फिर 100 बच्चों को भी आ जाए तब भी काफ़ी दिक्कत होगी, बच्चों को जो आर्थिक रूप से कमजोर यानी गरीब होते हैं उनके लिए, ठीक है, काफ़ी दिक्कतें होंगी, तो सरकार को इसके बारे में सोचना होगा। अब देखिए यहाँ पे साक्षी सिंह राजपूत ने एक दिन पहले का ही कमेंट किया है, कब आएगा। यहाँ पे इनके सीधे कहने का मतलब है क्या आएगा या फिर नहीं, अगर आएगा तो कब आएगा। और जैसे कि आपको बताया गया कि फंड में जब पैसा नहीं है, अगर फंड में पैसा जारी किया जाता है, शासन द्वारा कोई ऑफिशियल नोटिस हमारे पास आता है तो तुरंत आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि हाँ कब आएगा, क्या कोई डेट मिलेगी या फिर अब इसको बंद कर दिया जाए, अब नए साल के पोर्टल को ओपन किया जाए, नए साल का फॉर्म भरा जाए। तो काफ़ी दिक्कतें होंगी स्टूडेंट के सामने, काफ़ी परेशानियां झेलनी पड़ेंगी, अगले साल की वो फीस वगैरह नहीं जमा कर पाएंगे अगर इस साल की राशि नहीं आई तो। जिनका कम आता है 2000-5000 जैसे इंटरमीडिएट हाई स्कूल या फिर वो अदर लेवल के जिससे 5000-10000 आता है उनको तो वो तो सह लेंगे, लेकिन जिनकी स्कॉलरशिप की राशि ज़्यादा आती है 50000-80000-1 लाख मतलब ज़्यादा आती है उनको थोड़ा सा दिक्कत होगा, और दिक्कत नहीं काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होगा, वो अपने आगे की स्टडी शायद ना कर पाए, ठीक है। तो शासन को इस पर सोचना होगा, निर्णय लेना होगा। अब देखिए यहाँ पे स्वीट एंगल ने 2 दिन पहले कमेंट किया है, सर अब हम पढ़ाई छोड़ दिए हैं, बहुत दुख हो रहा है, अब मैं कंपनी में जॉब करने जा रहा हूँ, हाय रे मेरी किस्मत। इनके कहने का मतलब है कि अभी स्टडी छोड़ दी है, इनकी स्कॉलरशिप की राशि नहीं आई। तो देखिए ऐसा कभी नहीं करना चाहिए, आपको किसी भी परिस्थिति में स्टडी, शिक्षा आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, काफ़ी ज़रूरी है, आप अपनी स्टडी को किसी भी तरीके से करते रहेंगे, स्टडी को छोड़ेंगे नहीं, ठीक है। आप अपनी स्टडी को, अपनी शिक्षा प्राप्त करेंगे, बहरहाल आगे जो भी हो, शासन जो भी निर्णय ले स्कॉलरशिप के बारे में वो तो अलग की बात है, लेकिन स्टडी को आप किसी भी तरीके से छोड़ेंगे नहीं। यहाँ देखिए सर आप कमेंट्स का जवाब नहीं देते हैं, बुलडोजर बाबा की तरह हम लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं। जैसा कि आप
सभी को मालूम है कि एक एक बच्चे का रिप्लाई देना पॉसिबल नहीं होता है। मैं एक बच्चे का रिप्लाई दे देता हूँ और उस हिसाब से उसको पिन कर देता हूँ जो इंपॉर्टेंट होता है। कुछ बच्चों का रिप्लाई देता हूँ और कुछ बच्चों का नहीं देता हूँ। काफ़ी सारे बच्चे होते हैं, काफ़ी हज़ारों की संख्या में, सबका एक एक रिप्लाई देना पॉसिबल नहीं होता है। खास करके इंस्टाग्राम पर भी मैसेज बच्चे होते हैं, वहाँ पर भी मैसेज करते रहते हैं। तो मैं इसे एक पर्टिकुलर वीडियो बनाता हूँ, विशेष वीडियो बनाता हूँ कि सभी के पास इन्फॉर्मेशन मिल जाए। एक एक का रिप्लाई देना पॉसिबल नहीं होता, आप सभी को मालूम है, ठीक है। अब यहाँ पर देख सकते हैं, सर मेरा भी स्टेटस में पैसा दिखा रहा है बट आया नहीं है। फर्स्ट किस्त 19,200 आई थी लेकिन सेकेंड किस्त 28,800 वाली दिखा रहा है बट आई नहीं है। देखिए यहाँ पर इनको दूसरी किस्त की पड़ी है, जैसा कि कुछ इनके यहाँ रिप्लाई भी, जैसा कि कई बच्चों के यहाँ रिप्लाई भी आते हैं कि अरे तुम्हें दूसरी किस्त की पड़ी है, हमारी तो पहली किस्त भी नहीं आई है। तो इनके कहने का मतलब, इनकी फर्स्ट किस्त 19,200 आ गई है लेकिन सेकेंड किस्त 28,800 अभी पेंडिंग में दिखा रहा है, वहाँ पर दिखा रहा है लेकिन आई नहीं है। तो अगर बजट में पैसा होगा, अगर भेज दिया गया होगा तब तो आ जाएगी, लेकिन अगर नहीं भेजा गया होगा, अभी वहाँ पर दिखा रहा हो कि हाँ इतना अभी आना है और आपका, जैसे कि 19,200 आ गई है और दिखा रहा हो कि अभी इतना और आपका आना है, अगर पैसा फंड में पैसा खत्म हो गया, पैसा नहीं जारी किया जाएगा, नहीं भेजा जाएगा, तो इतना आपका पैसा नहीं आएगा, इतना ही आपको 19,200 में संतुष्ट करना पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर देख सकते हैं, अरे सर कुछ कीजिए, यहाँ पर देखिए लास्ट कमेंट है, अरे सर कुछ कीजिए, यानी इनके कहने का मतलब है, आपको संदीप राजभर हैं, दो दिन पहले का कमेंट किए हुए हैं कि अरे सर कुछ कीजिए, मतलब स्कॉलरशिप के बारे में कुछ कीजिए कि हम लोग की स्कॉलरशिप की राशि आए। जैसे कि आप सभी को मालूम है, ट्विटर पर कैंपेन भी चलाया गया, काफ़ी मतलब बच्चों के लिए आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया गया, और जो जावेद मुस्तफा सर हैं और बड़े बड़े जर्नलिस्ट हैं, दी लल्लन टॉप न्यूज़ चैनल है, काफ़ी जगहों से आपने देखा होगा स्कॉलरशिप के बारे में, वहाँ पर भी न्यूज़ वगैरह में दिखा रहा था कि हाँ इस बार यूपी में इतने सारे बच्चों की स्कॉलरशिप की राशि नहीं आई है। लेकिन इसमें शासन को निर्णय लेना चाहिए, शासन, ये नहीं कि शासन को नहीं मालूम है, जो वर्तमान में शासित कर रही है उसको नहीं मालूम है यूपी गवर्नमेंट को कि हाँ बच्चों की स्कॉलरशिप की राशि नहीं आई है, जानती है, लेकिन अब देखिए इसके बारे में कोई कठोर या सख्त निर्णय लेती है, फंड जारी करती है, फंड में पैसा जारी करके बच्चों की स्कॉलरशिप की राशि भेजती है या फिर नहीं। टेलीग्राम पर आप बने रहेंगे, सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ से मिल जाएगी, और हम लोग का काम होता है केवल आपको इन्फॉर्मेशन देना और जो भी शासन द्वारा ऑफिशियल अपडेट आता है उसको बताना। और हम लोगों ने फिर ट्विटर पर कैंपेन भी चलाया था, काफ़ी कोशिश भी की, और टीचरों से, कॉलेज से, DWO से, हर जगह से कोशिश की, लेकिन वहाँ से कुछ नहीं हो पा रहा है। जब तक शासन कोई निर्णय नहीं लेगी, पैसा आएगा नहीं फंड में, नया पैसा जारी नहीं करेगी, बजट जारी नहीं करेगी, तब तक कुछ नहीं हो सकता है। और हम लोग कोशिश में लगे हैं, देखिए कोई भी ऑफिशियल अपडेट जारी किया जाए, शासन द्वारा जारी किया जाए, तो तुरंत आपको टेलीग्राम के और वीडियो के माध्यम से इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके जाकर टेलीग्राम चैनल पर जरूर ज्वाइन हो जाएगा। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।